हेलो कंप्यूटर असिस्टेंट शो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र जो कि नए पोर्टल से कैसे बनेगा, पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट करके दिखाने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप हम लाइव यहाँ पे भरेंगे और आपको दिखाएंगे। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि अगर आप 21 डेज के अंदर बना रहे हैं या 1 ईयर के अंदर बना रहे हैं या 1 ईयर के बाद बना रहे हैं तो क्या प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे पहले नॉर्मल हम देखने वाले हैं 21 डेज का कैसे क्या प्रोसेस होता है, फिर उसी के बाद हम यहाँ पे आपको बताते जाएंगे कि 1 ईयर के लिए क्या करना होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इसका जो पोर्टल है जो कि चेंज हुआ है dc.crs.org.gov.in, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से डायरेक्ट आ जाइएगा या तो गूगल क्रोम पे आप ये टाइप करेंगे तो आप कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे जो नया पोर्टल है ये दिखेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है बर्थ सर्टिफिकेट के अप्लाई करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन होता है जहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एक है जनरल पब्लिक और दूसरा है रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे फंक्शनरीज या इंस्टीट्यूशन करके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो जनरल पब्लिक वाला ऑप्शन है ये कब यूज होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ कोई बर्थ हुई आपके घर परिवार में और वो उसका 21 डेज के अंदर ही आपको रिपोर्ट करना होता है, यानी कि रजिस्टर के लिए उसको अपनी अपनी डिटेल दर्ज करनी होती है। फिर क्या करते हैं जो आपके ग्राम पंचायत सचिव लेवल या ग्राम पंचायत अधिकारी लेवल के जो होते हैं ब्लॉक लेवल पर, वो लोग आपकी डिटेल को वेरीफाई करते हैं, देन आपका सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे आपको जो बताने वाले हैं ग्राम पंचायत सचिव के लेवल से बताने वाले हैं, ग्राम विकास अधिकारी या सचिव कह सकते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फंक्शनरीज का जो ऑप्शन है इसी से हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान ली किसी के बर्थ घर पे हुई तो इसका यूज करते हैं, तो हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे और जो सेकंड वाला ऑप्शन है यानी कि फंक्शनरीज वाला उस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे ऑटोमेटिक जो आपके सचिव का आईडी पासवर्ड होगा उसको आपको फिल करना है और कैप्चा फिल करके लॉगिन करना है, उनके मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे ओटीपी फिल करेंगे देन आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से नया जो डैशबोर्ड है आपको देखने को मिलेगा। देखिए इस तरह से नया डैशबोर्ड है जहाँ पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे बर्थ और डेथ सेम दोनों का हो जाता है सेम तरीके से, बस थोड़ी सी प्रोसेस अलग होती है, डेथ के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं बर्थ के लिए अलग। तो हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ टैब्स देख सकते हैं और यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स देखने के लिए विद इन 7 डेज के अंदर आपने जो भी किया है बिटवीन 8 to 15 डेज, इस तरह से आप अलग अलग क्लासीफाइड है आप देख सकते हैं रिपोर्ट। तो नया बर्थ यहाँ पे जारी करने के लिए आपको ऊपर आना है और ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बर्थ और डेथ के जो टैब्स हैं, ठीक है, आप बर्थ के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और डेथ के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो मेरे केस में बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो इस तरह से जब बर्थ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल के आएंगे, जैसे कि चाइल्ड नेम, सर्च बर्थ रजिस्टर, रजिस्टर स्टिल बर्थ, इस तरह से 8-10 ऑप्शन खुल के आते हैं। लेकिन जो आपको यहाँ पे बर्थ रजिस्टर पर जनरेट करना है यानी कि बनाना है तो आपको जो सेकेंड वाला ऑप्शन है रजिस्टर्ड बर्थ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर बर्थ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्म खुल के आएगा जो 4 स्टेप में कंप्लीट होना है और इसको आपको फिल करना होगा, सारी डिटेल फिल करनी होगी। जैसे पहला स्टेप है लीगल इन्फॉर्मेशन का जो आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आप हिंदी इसमें अभी भरने में दिक्कत आती है तो आप गूगल इनपुट टूल डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। अगर आप स्पेस प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक इस पर आ जाता है, ठीक है, अगर नहीं आता है तब के लिए काम आता है। जैसे कि पहला स्टेप है सामान्य सूचना, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप है बच्चे का नाम यदि रखा गया है तो इस तरह से बच्चे की डिटेल भरनी है, फिर बच्चे के नाम की पुष्टि करनी होती है, फिर पिता की सूचना, उसके बाद यहाँ पे माता की सूचना देनी होती है, फिर उसके बाद एड्रेस प्रूफ देना होता है यानी बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता क्या है उसको यहाँ पे भरना होता है, फिर उसके नीचे आता है परमानेंट एड्रेस क्या है, माता पिता का स्थायी पता क्या है और बच्चे के जन्म के समय क्या था उसको यहाँ पे डालना होता है, और फिर नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सूचनादाता यानी जन्म स्थान डालना होता है, फिर सूचनादाता की जानकारी यानी कौन अप्लीकेंट है वो जानकारी दे रहा है, उसके बाद 7 ड्रॉप करके हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कैसे भरेंगे। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे, द्वितीय भाषा में हिंदी, फर्स्ट में हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद आप यहाँ पे रिपोर्टिंग डेट यानी कि जो रिपोर्टिंग डेट में जिस जब जानकारी आपको मिलती है उसको यहाँ पे डालना होता है, जैसे कि किसी ने अप्लाई किया तो उसमें रिपोर्टिंग डेट होती है कि कब मुझे वो रिपोर्ट कर रहा है, जाके जन्म तो कभी भी हो सकता है आगे पीछे लेकिन रिपोर्ट कब कर रहा है, तो आपको यहाँ पे वो रिपोर्टिंग डेट डालनी है। जैसे कि मेरे केस में इनकी जो रिपोर्टिंग डेट है अभी, जैसे कि मैं जुलाई है तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये मेरे केस में जो सर्टिफिकेट इशू हो रहा है वो 20 डेज के अंदर है तो इसलिए एकदम सिंपल है। अभी 1 साल के लिए भी बताएंगे इसको पहले देख लेते हैं। इससे 25 रिपोर्टिंग डेट है इनकी और उसके बाद जो यहाँ पे बच्चे की सूचना यानी जन्म जिस दिन हुआ था मैं उस डेट को डाल देता हूँ, जैसे 14/7/2024। उसके बाद आप कन्फर्म यहाँ पे जन्मतिथि डाल देंगे, उसके बाद बर्थ का समय नहीं है तो छोड़ देंगे, बाकी यहाँ पे सेक्स पे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा है, पुरुष या महिला जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिए जो
रेड मार्क है आप उसको मैंडेटरी है भरना, जो रेड मार्क नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आधार कार्ड नहीं है तो मैं आधार कार्ड छोड़ देता हूँ, फिर यहाँ पे बच्चे का फर्स्ट नेम डाल देता हूँ। अगर बच्चे का नेम है तो आपको डालना है, अगर नहीं नेम है तो आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके छोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ फर्स्ट नेम पे बच्चे का नाम डाल देता हूँ, उसके बाद लास्ट नेम में उसका जो उपजाति होता है उसको डाल देता हूँ। अब यहाँ पे कन्फर्म चाइल्ड नेम आपको दोबारा से फिर से टाइप करना है। आप इंग्लिश में टाइप करेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे तो नीचे हिंदी में आ जाता है, तो यहाँ पे इसी तरह लास्ट नेम में डाल देंगे। अब आते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन यानी पिता की सूचना पे। तो यहाँ पे बच्चे के पिता के आप उनके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आप उन्होंने दिए होंगे उनसे देख के सही सही आप उसी तरह से सेम यहाँ पे भर देंगे। जैसे कि आप इंग्लिश में ऊपर लिख रहे हैं और स्पेस देने के बाद नीचे हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। इस तरह से आप लास्ट नेम में उपजात डाल के आगे बढ़ेंगे। फिर मदर इन्फॉर्मेशन में माता की सूचना आपको सिंपली डालनी होगी उसी तरह से जैसे आप ऊपर डाले हैं, और डालने के बाद इसी तरह लास्ट नेम है तो डाल दीजिएगा, नहीं छोड़ दीजिएगा। अब मोबाइल नंबर यहाँ पे अगर है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो आप मैंडेटरी नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड डाल दीजिए, तो आधार कार्ड होता ही है माता का सबका लगभग, तो आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर उनका डाल दीजिए। उसके बाद नीचे आइए एड्रेस पेरेंट्स में, यहाँ पे बच्चे के समय जन्म के माता पिता का पता क्या था आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो जो स्टेट हो उसको स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट यानी उप जिला, यहाँ पे अपनी तो तहसील जो होती है उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद गांव है या शहर, तो जैसे ग्राम पंचायत में है तो ग्राम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर देन जिस भी ग्राम पंचायत से हो उस ग्राम का नेम डाल देंगे, और जो पिन कोड लगता हो उस पिन कोड को यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे सूचनादाता की जानकारी देनी होती है, यानी कि जो रिपोर्टिंग करता है सूचना देता है, तो हम यहाँ पे सिंपली उनकी माता जी का नाम यहाँ पे डाल देते हैं। माता जी का नाम डालने के बाद अब आप यहाँ पे आगे जैसे नहीं टाइप हो रहा है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डबल ए लगा के इस तरह से वार्ता लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके कहीं से भी हिंदी पे यहाँ पे टाइप कर सकते हैं अलग से, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे सही कर लेता हूँ, जो भी नाम है उनका पहले इंग्लिश में सही से भर देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे हिंदी पे भी मैं भर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे उसको पहले कॉपी कर लिया था लिख के सही वाले को, फिर उसको हटाने के बाद फिर मैं नए सिरे से यहाँ पे हिंदी से टाइप कर देता हूँ। कभी कभी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे इस तरह से टाइप कर सकते हैं कुछ अपने हिसाब से, कि मुझे लिखना कैसे इस हिसाब से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो मैंडेटरी नहीं है। फिर यहाँ पे सूचनादाता का जो आधार कार्ड है यानी कि माता जी का जो आधार है उनके, उनको यहाँ पे आप इसको डाल दीजिए। चलिए इसको डालने के बाद आप क्या करेंगे, नीचे आएंगे, जैसे कि मैंने डाल दिया सिंपली। अब आप यहाँ पे नीचे जो आएंगे एड्रेस उसको सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हो, फिर इसके बाद सेव एज ड्रॉप्ट पर आप क्लिक करेंगे। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसके बाद डाटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। अब ये होने के बाद अब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपको पहले सेव एज ड्राफ्ट कर लेना है, फिर उसके बाद ही नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो ये जो पहला स्टेप था लीगल इन्फॉर्मेशन का हो चुका है, अब जो स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन है उसको फिल करना है। अब यहाँ पे कह रहा है बच्चे के समय माता पिता का पता कॉपी करें, जो मैंने पहले भरा है उसी को कॉपी करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद बाय डिफॉल्ट जो पता पहले भरा था वो आ जाएगा। अब यहाँ पे पिता की सूचना में जैसे उनको देना है कि उनका धर्म क्या है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब पिता का शिक्षण स्तर क्या है, अगर आपको पता है तो डाल दीजिए, जो भी नहीं पता है तो आप पता नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो नहीं पता होता है कितना पढ़े कितना नहीं, तो आप पता नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेम इसी तरह से माता का जो धर्म है उसको डाल देंगे, और उनकी अगर शैक्षिक योग्यता नहीं पता है तो पता नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऐसे ही सिंपली आप यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। अगर व्यवसाय पता है तो व्यवसाय डाल दीजिए, जैसे कृषि हो गया, एग्रीकल्चर, जो भी है। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे उसको भी ऐसे डाल सकते हैं कि इनका व्यवसाय मुझे नहीं पता है। उसके बाद नीचे आएंगे, अब यहाँ पे देखिए विवाह के समय माता की आयु, यानी कि जो भी माता की आयु हो उसको यहाँ पे डाल देना है। तो जो मतलब जैसे कि जिस टर्म में लिखा हुआ है कि अगर एक से अधिक बार विवाह हुआ है तो उसको भी यहाँ पे ध्यान देना है, लेकिन जो एज है बच्चे के वर्तमान समय यानी जन्म समय उसको डालना है। उस मतलब यहाँ पे माता की जो मतलब आयु थी उसको डाल देना है। जैसे कि लिखा विवाह के समय है तो विवाह के समय के उसके बाद यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि माता संतान के समय आयु कितनी है, यानी बच्चे जब जन्म हुआ है तो उसकी आयु कितनी उसको डाल देना है। अब यहाँ पे जो तीसरा स्टेप है यानी कि जो अभी उनके कितने बच्चे हैं उनकी यहाँ पे डिटेल देनी है। तो जैसे इनके केस में दो हैं तो हम यहाँ पे दो डाल देते हैं, ठीक है। डालने के बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ के प्रसव के समय यानी जो उनका
यहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे परिचायक यानी जो लोग रहते हैं वो कौन थे, तो आप इनमें से रिश्तेदार या अन्य कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या और भी जो भी अगर रिश्तेदार कोई नहीं अगर आपके साथ में है आपके गांव पड़ोस से, तो इस तरह से आप इनमें से कोई एक ऑप्शन अटेंडेंस कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या डिलीवरी प्रसव थी यानी स्वाभाविक था, तो आप यहाँ पर स्वाभाविक सेलेक्ट कर लेंगे। अब बच्चे का उस समय वेट कितना होगा, तो आप जैसे कि वजन होता है अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है तो वहाँ पर वजन होता है, तो आप वहाँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल देंगे कितना वजन था बच्चे का। अब यहाँ पे गर्भावस्था की जो अवधि होती है उसको डालना होता है कि मतलब कितने दिनों में, जैसे कि आप डाल सकते हैं 40 वीक्स या 45 वीक्स या 39, जो भी मतलब आपके वहाँ पे जितना भी टाइम लगा हो आप उसको हिसाब से उसको डालेंगे। तो मेरे केस में अब मैं 39 डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस प्रूफ ऑफ बर्थ, यानी कि बर्थ के लिए एड्रेस प्रूफ मतलब यहाँ पे क्या देना है, जैसे कि आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में बहुत सारे ऑप्शन खुल के आएंगे। अब यहाँ पे पहले से आपको क्या करना है कि जैसे कि 8 MB की फाइल को रिसाइज करके अपने कंप्यूटर पे रख लेना है, जो भी आपका मतलब प्रूफ है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आधार कार्ड वगैरह, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, गैस बिल, टेलीफोन, गैस, फैमिली आईडी, आधार कार्ड, और उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड, इस तरह से खुलेंगे, आपको रिसाइज करके रख लेना है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि जैसे ग्राम पंचायत लेवल से जो उनका प्रमाणित हुआ है, जैसे कि लेटर पैड में विद फोटो लग के, तो वो जैसे मेरे पास है तो उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सर्टी ऑफ द एड्रेस ऑफ द टाइम ऑफ द मतलब उनके बर्थ के समय जो भी हुआ है, तो मैं उसी को ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और उसको मैं रिसाइज करके पहले से रखा था। यहाँ पे ब्राउज अपलोड पर क्लिक करेंगे और जो भी आपके उसमें रखा हुआ उसको आप सिलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट्स को। जैसे सिलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे ओपन पर क्लिक करेंगे, तो देखिए इस तरह से पूरा कंप्लीट लीगल तरीके से डॉक्यूमेंट आ जाएगा और यहाँ पे हम इसको अपलोड कर देंगे। ये अपलोड हो जाएगा और ग्रीन कलर का टिक लग जाएगा यानी वेरीफाई सब कुछ ठीक है। अब नीचे इसी तरह से अगर एडिशनल जरूरी है ऑप्शनल है आप इसको छोड़ सकते हैं, बाकी सेव एंड ड्रॉप करके आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यानी कि जो जरूरी नहीं है आप उसको मत भरिए, बाकी छोड़ दीजिए। देखिए ये भी स्टेप कंप्लीट हो गया। अब तीसरा स्टेप आ गया है लीगल इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन का, यानी जो आपने डिटेल फिल की है उस डिटेल को आपको चेक करना होगा। आप इस तरह से चेक करके देख सकते हैं, अगर आपको अभी एडिट करना है संशोधन करना है तो आप कर सकते हैं, बाकी इस तरह से ओवरऑल आप पूरा व्यू कर लेंगे देख लेंगे। ऑलमोस्ट अगर सब सही है तो आप सीधा सिंपली आप यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आएगा स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन, एक बार और आएगा लास्ट कंफर्मेशन का, जिसपे आपको ओवरऑल पूरे बच्चे की डिटेल और उसके संबंधित सारी जानकारी दिखाई जाएगी। आप इसको ओवरऑल मतलब आप ऊपर से व्यू कर लेंगे, देखने के बाद अगर सब कुछ सही लगता है तो आप यहाँ पे नीचे वाला जो टैब है वहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे बोथ यानी कि प्रश्न पर वो जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आना चाहिए, अगर रिमार्क कोई है तो डालेंगे ना टिक करके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ई साइन और स्कैन सिग्नेचर का ऑप्शन आता है, तो मैंने पहले से स्कैन सिग्नेचर रखे हैं चूंकि, तो उसी को हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। ई साइन का ऑप्शन अभी नहीं है, तो जो आपने रखा हुआ यूजर प्रोफाइल मैनेजमेंट से अपलोड करके आप उसी को यहाँ पे जब स्कैन सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे सबमिट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद ये सर्टिफिकेट पे अपलोड हो जाएगा। अब देखिए एप्लीकेशन अप्रूव सक्सेसफुली हो गई। अब उसके बाद ये टैब आपके सारे चले जाएंगे, आपको विजिबल नहीं होगा। अब आपको फिर से देखने के लिए क्या करना होगा, जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो आप यहाँ पे विद इन 7 डेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो भी आपने यहाँ पे 7 डेज के अंदर काम किया है ये भी आपका आ जाता है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। और भी डेज के होते हैं उसको अलग चेंज करेंगे। और जैसे विद इन 21 डेज का था तो मैं 21 डेज पर लिमिट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ रिपोर्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने सेल्फ तरीके से यहाँ पे बनाया है, तो यहाँ पे रिपोर्टेड पे ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है और एप्लीकेशन यहाँ पे अप्रूव्ड लिखा होता है और डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सर्टिफिकेट तुरंत जनरेट होकर आपके कंप्यूटर में विद इन सेकेंड्स यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ये सर्टिफिकेट पूरा कंप्लीट बन चुका है और आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से सर्टिफिकेट आ गया। चलिए मैं यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए मेरे कंप्यूटर पे जो सर्टिफिकेट अभी जारी हुआ है ये डाउनलोड हो गया। अब इसको आप कंट्रोल पी करके या PDF के एज ए PDF के रूप में अपने कंप्यूटर पर सेव कर सकते हैं या इसको मतलब प्रिंट करके लाभार्थी को रिसीव भी करवा सकते हैं। तो ये है कुछ प्रोसेस जिससे आप बना सकते हैं मतलब बर्थ सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत अधिकारी लेवल से, जो इस तरह से बनता है। इस और प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब कहीं पे जन्म होता है लिस्टेड होते हैं तो खुद हॉस्पिटल वाले बना के देते हैं। जब घर में कभी डिलीवरी होती है या घर में मतलब बच्चे की प्रसव होती है जब दिखाया जाता है तब इस तरह से ग्राम पंचायत अधिकारी के लेवल से बनता है। अगर आपका 1 ईयर का हो गया है या उससे ज़्यादा का हो गया तब क्या करना है, तब आपको उसमें क्या होता है कि कुछ एफिडेविट लगते हैं तहसील से और उसको वीडियो से भी अप्रूव कराना पड़ता है और SDM के भी दस्तखत मोहर लगते हैं और CMO की भी मोहर लगती है, लेट फीस कटती है। उसका प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ये था सिंपल वीडियो कंप्लीट बनाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं।